कैथल सिविल अस्पताल के डॉक्टर के कारनामों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रही है वायरल। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कैथल ब्रेकिंग टीवी ने खबर दिखाई थी जिसमें एक बच्चा जिसका नाम खुशी पुत्र रोहतास, बच्चे को चोट लगने पर इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आए थे। बच्चा एक बीमारी से पीड़ित है और इलाज से पहले एक विशेष इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन इस बात पर डॉक्टर बच्चे के परिजनों से लड़ते और झगड़ते वायरल वीडियो में साफ नज़र आ रहे हैं और परिजनों को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर। इस मामले में पीएमओ कैथल को भी परिजनों की ओर से शिकायत दी गई थी और पीएमओ की ओर से कहा गया था कि हम जांच करवाएंगे। इस विषय में बच्चे के परिजन कैथल के उपायुक्त से मिले थे और डॉक्टर की शिकायत भी की गई थी। कैथल के उपायुक्त ने मामले की जांच करवाने की बात कही थी और पीएमओ की ओर से दो व्यक्तियों को जांच के लिए जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई जाँच नहीं हुई। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा परिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। अब इस मुद्दे को लेकर कल उपायुक्त की होने वाली पहली प्रेस वार्ता में पत्रकार इस मुद्दे को उठाएंगे। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है। चोट लग गई, सीढ़ियों से पैर फिसल गया था, तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए चोट का इलाज करवाने के लिए? पापा के साथ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए थे, तो वहाँ क्या हुआ पूरा मामला बताओ बेटा जरा। डॉक्टर के पास में डॉक्टर बोले इसको पहले वहाँ पर एक लड़का ऐसे टांग के पट्टी करवा लो, तो वहाँ पर पट्टी करा के आए। पापा ने बोला इसको फैक्ट्री लगता है खून आ रहा है, और फैक्ट्री ने पर्ची दी। मेरे पापा ने बोला था पर्ची पे लिखते, पर्ची में पापा ने लिखा, पर्ची भर के मारी मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाले, बोला ये ले तेरा बेटा, ये ले बेटा और तेरी पर्ची छोड़ ले तू, तो मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था। अच्छा, तो उन्होंने आप लोगों को धक्का दिया? हाँ। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? बोला धक्का दिया, उठा के भगा बेटा, सही बता क्या क्या किया? उठा के भगा। कैसे कैसे उठाया था डॉक्टर साहब ने बताइए एक बार। कैसे टिश्यू पेपर कैसे निकाल दिया? अच्छा, इलाज की बजाय जी उन्होंने। तो क्या कहा फिर उन्होंने, क्या कह रहे थे आपको जब इस तरह से फेंका गया, तो क्या कहा उन्होंने? कागज और क्या कहा और बता सकते हो? कागज और फोन भगा के मारा, फोड़ दिया। अच्छा, और क्या बोले डॉक्टर साहब, क्या कर ले? ये ले तो हम बातचीत करते हैं इनके साथ, जो इनके परिजन हैं इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास कुमार है। कहाँ पे रहते हैं? कैथल रजनी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। अच्छा, तो ये पूरा मामला बताएं। घर था, मेरे पास फोन आया बच्चों का कि ऐसे ऐसे तेरा बच्चा के चोट लग गई है। मैं उसके लिए बाइक लेके उधर से चला गया, सीधा ले आया। इसको लगता है फैक्ट्रेट, ये दिल्ली से भी ट्रीटमेंट हुआ इसका, चंडीगढ़ से भी हुआ। अब जब ये इसको कोई भी चोट लगती है ब्लड नहीं थमता, इसमें हेमोफीलिया का फैक्ट्रेट लगवाना पड़ता है, उसके बाद इलाज होता है। ब्लड रोकने के लिए है ये, कोई लेटिव इंजेक्शन एमरजेंसी। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोल लिया, उन्होंने पहले ही जब बोला पट्टी करा ले, मैंने इसको पट्टी करा दी, दो टांके आए इसको। उसको टांके होने के बाद मैं बोला पर्ची बनवा ले, पर्ची बनवाने के लिए उधर चला गया। पर्ची बनवा के मैं अपना डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब इसको फैक्ट्रेट लगा दो, ये इसको ब्लड नहीं रुक रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा, 21 नंबर में चला जा। अच्छा, मैंने कहा अभी वहाँ तो डॉक्टर नहीं आ रहे, ये सीरियस है कि इसका ब्लड नहीं रुक रहा, इन्हें फैक्टर 8 लगा दे, तो लिख के दे दे। मैंने उसको लिख के दे दिया कि इसका मैं जिम्मेवार हूँ, आप फैक्ट्रेट लगवा दें। अच्छा, ठीक है। उसने क्या कहा गुस्सा में होके, ये बच्चा भी रे कागज भी नहीं, बोला तू वो कर रहा कान खा रहा, ये बच्चा भगा दिया। माँ जी मैं 112 पे अस्पताल निकाल पर फोन कर रहा हूँ, तो मैंने फोन निकाला, मेरा फोन भी भगा दिया और बच्चे को उठा के भगा दिया। बोला जो तेने कार्रवाई करनी है ना कर ले। अच्छा।